Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है जो कि आजकल कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है, आप देख रहे हैं उनको, उस कन्फ्यूजन से निकलना बहुत ज़रूरी है। और कन्फ्यूजन से निकलने का तरीका एक ही है कि जो हकीकत है, जो सच है, वो मैं आपके सामने रखूँ। सच मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है, मुस्लिम लीग नून के अंदर हो क्या रहा है। तो ये आप देखते हैं, र्यूमर्स सुनते हैं जनाब की मुस्लिम लीग नून के अंदर ऐसे मसला पड़ा हुआ है, ऐसे मसला पड़ा हुआ है, शायद यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बन गए, ये वो सारी चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा आपके सामने, सारी चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। फिर आप खुद उसको असेस करते रहिएगा, खुद उसको देखते रहिएगा कि जनाब वो क्या है। सो सच्ची सच्ची बातें आपसे ज़रा शेयर कर लें आज। अब एक बड़ा मसला बना हुआ जी कि मुस्लिम लीग नून का सदर कौन, सदर किसको बनाया जाएगा मुस्लिम लीग नून का। तो वहां से आवाजें आती हैं जनाब कि मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब दो लोग बन सकते हैं। एक ग्रुप है जो कि इस चीज की फेवर करता है कि जनाब दो ऐसी शख्सियात हैं जिनको मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया जा सकता है। ये एक ग्रुप की बात कर रहा हूं, एक ग्रुप की, मुस्लिम लीग के अंदर जो एक ग्रुप है उसकी बात कर रहा हूं। वो जो एक ग्रुप है वो चाहता ही है जनाब के मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा को या तो बना दिया जाए मुस्लिम लीग नून का सदर, या फिर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को बना दिया जाए मुस्लिम लीग नून का सदर। अब ये एक ग्रुप की आपको बात बता रहा हूँ, जो एक ग्रुप जो मुस्लिम लीग नून के अंदर है उसकी बात कर, उनकी ख्वाहिश है। अब वो जो ये ग्रुप है जो चाहता ही है कि मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा को बना दिया जाए या मरियम नवाज साहिबा को बना दिया जाए प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून का, वो बड़ा हाइपर किस्म का ग्रुप समझा जाता है, बड़ा एक्टिव। एक्टिव से मुराद ये है कि वो आप अक्सर उकात उसको मीडिया में देखते हैं जनाब कि वो बड़े जनाब बढ़ चढ़ के क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ को, पीटीआई को समझ लें या पीपल्स पार्टी को समझ लें, जिसको भी आप समझ लें, बड़ा एक्टिवली रोल प्ले करते हैं, बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हैं वो लोग। और उनकी ख्वाहिश ये है कि जनाब कुलसूम नवाज साहिबा को, क्योंकि वो इलेक्शन जीत चुकी हैं, तो उनको प्रेसिडेंट भी बना दिया जाए और उनको जनाब बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाए। ये नई बात आपको बता, उनको प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाए। अब उनको अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, क्योंकि देखें मेजॉरिटी तो है मुस्लिम लीग नून के पास, और मुस्लिम लीग नून ये चाहती है जनाब के उनका जो टेन्योर है वो बड़े आसानी से पूरा भी हो जाए, और जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उसमें भी वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए हुकूमत में रहते हुए वो जनाब अपना वहाँ पे सेनेट का इलेक्शन भी निकाल लें, और सेनेट का इलेक्शन जब निकल जाए वहाँ पे अपनी मेजॉरिटी वहाँ पे मनवा लें, और फिर उसके बाद जनाब बाद में देखेंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ बाद में जाएंगे। सो पहला टारगेट ये है कि जनाब किसी ना किसी तरीके से सेनेट के इलेक्शन तक वो अपनी हुकूमत कायम रखे, और उससे पहले जनाब वो कोशिश ये कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, एक धड़े की बात कर रहा हूँ, कि वो कोशिश कर रहे हैं जनाब की कुलसूम नवाज साहिबा को बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर, और उसके साथ साथ जनाब उनको या प्रेसिडेंट भी बना दिया जाए। और वही ग्रुप के अंदर से एक ख्यालात ये भी उभरते हैं जनाब कि मरियम नवाज साहिबा को बना दिया जाए जनाब सदारत दे दी जाए मुस्लिम लीग नून की। अब अगर कुलसूम नवाज साहिबा को बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा ना जी असेंबली में तो मौजूद है मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून की, वो आराम से बना भी सकते हैं अपना वज़ीर आज़म, जिसको मर्जी बना ले। तो वो अगर बना देते हैं कुलसूम नवाज साहिबा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है कुलसूम नवाज साहिबा को, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस पर होंगे। ज़ाहरी बात है जब कुलसूम नवाज साहिबा प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब भी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होंगे ना, तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में दोबारा पहुंच जाएंगे। तो उसमें तो कोई मेरे ख्याल में किसी को शक व शुबा होना ही नहीं चाहिए कि अगर कुलसूम नवाज साहिबा प्राइम मिनिस्टर बने तो मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्यों नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो यही वो ग्रुप चाहता है। अब सदारत का मसला आ गया पार्टी का। अब पार्टी की सदारत जो है
वो कुलसूम नवाज साहिबा को जाती है या मरियम नवाज साहिबा को, उस पर जरा एक वो भी एक सिलसिला जारी रहेगा, वो भी देखना है इसमें। उसमें वैसे एक चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पिन पॉइंट करना चाहता हूँ कि एक बड़ी कारस्तानी दिखाने की कोशिश की गई है सेनेट के अंदर। वो सेनेट के अंदर क्या कारस्तानी दिखाने की कोशिश की गई है कि जनाब, वो भी मैं आपको बाद में तफसीलन बताऊंगा, इस वक्त नहीं बता सकता मैं क्योंकि उसको बड़ी डिटेल में मैं चाहता हूँ मैं आपके सामने रखूँ, वो बाद में बताऊँगा। क्योंकि उसमें एक कारस्तानी ये निकालने की करने की कोशिश की गई है कि उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करने की, पास करवाने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा कि चले सेनेट से भी अमेंडमेंट हो जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद ही फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाए किसी न किसी तरीके से। खैर वो हुआ नहीं, वो आखिरी वक्त में वो साजिश जो है वो पकड़ी जा चुकी है। अब एक मसला ये है जनाब के अगर ये दोनों बातों में से कोई बात हो जाती है, कुलसूम नवाज साहिबा वाली या मरियम नवाज साहिबा वाली, तो फिर उसके बाद जनाब एक धड़ा जो है मुस्लिम लीग नून का वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। वो तैयार किस चीज़ पे बैठा हुआ है? वो तैयार इसलिए बैठा हुआ है जनाब कि वो कहते हैं जनाब कि नहीं, मियाँ साहब ने जो सदारत करनी थी कर लें, आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बना दें सदर मुस्लिम लीग नून का। वो बड़ा ऑब्वियस है आपके सामने है, वो चौधरी निसार साहब भी इस पर नाराज़ रहते हैं, चौधरी निसार साहब भी कहते हैं जनाब के बस जो कुछ होना था हो गया, मियाँ साहब साइड पे हो जाए और शहबाज शरीफ साहब को बना दिया जाए सदर मुस्लिम लीग नून का, और उस पर जनाब मेजॉरिटी जो है लोग मुस्लिम लीग नून के इस चीज़ पे राज़ी भी हैं। लेकिन वो अंदर भी आपको पता है एक घर के अंदर रहते हुए, एक छत के अंदर नीचे रहते हुए कुछ ना कुछ इख्तलाफात कहीं ना कहीं होते हैं, तो यहाँ पे भी इख्तलाफात हैं और वो इख्तलाफात बड़े सीरियस हैं। ये अगर कहा जाए कि नहीं है सीरियस तो वो गलत होगा, बिल्कुल सीरियस इख्तलाफात हैं। कोई इसको डिनाई करता है तो बिल्कुल गलत करता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इख्तलाफात नहीं है, इख्तलाफात हैं। जब वो दो धड़े बन जाएंगे अगर ये काम हो जाता है सदारत वाला, तो फिर वो जो दो धड़े हैं वो तैयार है जनाब के, और शहबाज शरीफ साहब को भी प्राइम प्रेजिडेंट नहीं बनाया जाता मुस्लिम लीग नून का, तो वो जो दो धड़े हैं वो तैयार बैठे हुए जनाब। किस लिए तैयार बैठे हुए? वो कहते हैं आधे, उनमें से आधे लोग कहते हैं जी कि हम काफ लीग के पास चले जाएंगे, चौधरी शुजात साहब के पास चले जाएंगे और चौधरी शुजात साहब की पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा जी ठीक है, अब उनकी मर्जी है, वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो दैट इज़ सेपरेट थिंग, वो तो पता चलेगा जब वो करेंगे। एक उसमें से धड़ा ऐसा भी है, कुछ लोग उसमें से ऐसे कह लें कि ऐसा भी करना चाहते हैं कि वो पीटीआई के साथ ज्वाइन करना चाहते, पीटीआई को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पीटीआई को अगर वो ज्वाइन कर लें और कुछ लोग जनाब शुजात साहब को ज्वाइन कर लें, चौधरी शुजात हुसैन साहब को ज्वाइन कर लें, तो वो एक स्प्लिट आ जाता है उसमें। अच्छा अब स्प्लिट आएगा तो उस स्प्लिट से ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचेगा, चाहे वो लोग जाके पीटीआई में मिले या वो लोग जाके काफ लीग में मिले, चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिले, तो वो बिल्कुल वो तो मसला होना ही होना है। अब शहबाज शरीफ साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से जनाब ये मसला ना हो, पार्टी ना टूटे और ये धड़े ना बने, और सदारत उनको बड़े भाई उनके देते हैं या नहीं देते पार्टी के, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये बचत हो जाए और धड़े ना बने। क्योंकि अगर ये वहाँ पे जाता है मसला मरियम नवाज साहिबा के पास या कुलसूम नवाज साहिबा के पास, तो फिर एक इशू बन जाएगा और फिर उसमें एक बिल्कुल ना चाहते हुए भी शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में कुछ नहीं कर सकेंगे उसमें। सो अक्सरियत आपके सामने चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट बना दिया जाए पार्टी का, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, और जनाब वो मियाँ साहब इस चीज़ पर दो तीन चीज़ों पे वर्किंग कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से, जैसे एक मैंने आपको बताया अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई सेनेट के अंदर कि जनाब किसी न किसी तरीके से जनाब एक कानूनी कार्रवाई करके तो मियाँ साहब खुद ही तीसरी चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन वो साजिश जो है, साजिश कह लें इसको या क्लेवरनेस कह दें उसको, वो पकड़ी गई, वो हुई नहीं। उसकी तफसील मैंने आपसे कहा मैं बाद में बताऊँगा। और अगर वज़ीर आज़म बन जाती हैं कुलसूम नवाज साहिबा तो मियाँ साहब तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, और मरियम नवाज साहिबा जो है अगर उनको सदारत मुस्लिम लीग नून की दी जाती है तो पार्टी के अंदर जनाब इतनी बड़ी दरार पड़ जाती है। सो इट्स अ कैच 22 सिचुएशन
फॉर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ऊपर से रेफरेंसेस तैयार हो रहे हैं, रेफरेंसेस में नैब के चेयरमैन जो हैं वो तो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ऐसी टिले माठे किस्म के बन जाए रेफरेंसेज और मियां साहब उसमें से निकल जाएँ। लेकिन खुद उन्होंने चेयरमैन साहब ने भी, नैब के चेयरमैन साहब ने भी घर ही जाना है, वो अब तो करीब आ गया उनका टाइम भी जाने का। लेकिन ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं क्योंकि इसके बाद, क्योंकि मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं बात करना चाह रहा हूँ नैब के रेफरेंसेस पर भी, तो नैब के रेफरेंसेस पे जो बन के गए हैं उनका क्या हाल होना है, और जनाब जो मियाँ साहब वहाँ पर नहीं जा रहे और मियाँ साहब वहाँ पर जनाब समन मिल जाते हैं तो कोई और चला जाता है और किरमानी साहब चले जाते हैं, तो वो जनाब क्यों नहीं जा रहे और क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स इवॉल्व की जा रही है, इसका क्या निकलेगा क्या इसमें से, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इनके नैब के रेफरेंसेस से जिस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है, जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है, उसका निकलता हुआ कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन एनीवेज एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद वापस आएँगे और नैब के रेफरेंसेस पर बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद। अब ज़रा नैब के रेफरेंसेस के बारे में बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, और कानूनी राय अगर मिल जाए मुझे तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा अच्छी बात हो नहीं सकती। जो देखने में आ रहा है वो ये है कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इवॉल्व की जा रही हैं, और मियां साहब जो हैं और उनकी तरफ से एक डिलेइंग टैक्टिक्स का, या उनके वकीलों ने बताया होगा मियाँ साहब को कि जनाब थोड़ी सी डिलेइंग टैक्टिक्स तुसी ऑब्जर्व करो और समन ना रिसीव करो, और अगर समन रिसीव भी हो जाते हैं तो उसमें जाके आप कोई पेश भी हो जाता है आपकी तरफ से कोई, तो उसको बोले जनाब कि मुझे तो एड्रेस पता नहीं है, प्रिसाइज मुझे एड्रेस पता नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट, ताकि जितना प्रोलॉन्ग किया जा सकता है इस मसले को प्रोलॉन्ग किया जाए। और दूसरा ज़रा इस पर एक वो लोगों के जहनों में शक और शुबा होना शुरू हो गया है कि प्रॉबेबली जनाब रेफरेंसेस जो हैं वो सही तगड़े बनेंगे नहीं, और अगर तगड़े बनेंगे नहीं तो फिर जनाब वो मियाँ साहब विल गेट अवे विद ऑल दीज थिंग्स। तो लोग समझ रहे हैं कि जनाब के जैसे हमेशा होता आया है कि जनाब मियाँ साहब इन मसलों से भी निकल जाएंगे, तो वो बात किस हद तक दुरुस्त है, क्या हमारे जो लूप होल्स हैं लॉ के अंदर वो उनको मदद देंगे, या कैसे चलेगा सारा सिलसिला। फरोग नसीम साहब से बात कर लेते हैं, फरोग नसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी फरोग साहब। जी थैंक यू वेरी मच। फरोग साहब, एक प्रिसेप्शन बनता जा रहा है कि जैसे लॉ के अंदर फ्लॉज है और उन फ्लॉज से हर कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है, और इन दिस प्रिसाइज केस भी यहाँ पे भी ये इशू नज़र आ रहा है कि जैसे समन ना रिसीव की जाए तो डिले हो जाता है काम, अगर समन रिसीव हो भी जाए या कोई कर भी ले रिसीव तो उसके बाद जना पेश हो जाए अदालत में और वहाँ पे जाके कोई ना कोई डिलेइंग टैक्टिक्स वहाँ पे इवॉल्व की जाए, एंड और नैब भी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प आउट कर रहा है मियाँ बरादरान को, चेयरमैन नैब की बात कर रहा हूँ मैं, वो हेल्प आउट कर रहे हैं मियाँ बरादरान को। सो ये सारी चीज़ें जो शेप अप हो रही है इसमें लोगों के जहनों में एक ऐसा गुमान आना शुरू हो गया है कि शायद ये जो नैब के रेफरेंसेस हैं ये ज़रा थोड़े से वीक बने, और वीक बनेंगे तो उसमें जनाब मियाँ साहब विल गेट अवे विद ऑल दीज थिंग्स, और इसका कुछ बनेगा नहीं, आउटकम कुछ निकलेगा नहीं, तो ये ऐसा ही होगा या हाउ डू यू टेक ऑल दीज थिंग्स जी? मुझे भी बिल्कुल ये बात दुरुस्त लगती है, और इसकी जीता जागता सबूत ये है कि अगर कोई दूसरा आदमी हो, आम सिटीजन हो, तो उसको तो बाकायदा बेल बिफोर अरेस्ट लेनी पड़ती है, और बेल बिफोर अरेस्ट नहीं ले तो अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ तो ना सिर्फ बेल बिफोर अरेस्ट की तो बात छोड़ें, जब नैब ने नोटिस दिया तो मियाँ साहिबान ने कहा कि जी हमारी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, हम आपके सामने नहीं पेश होंगे, जबकि रिव्यू पिटीशन में किसी किस्म का कोई स्टे ऑर्डर नहीं था। फिर वो रिव्यू पिटीशन डिसमिस भी हो गई, फिर बाहर भी जाने दिया गया है। दूसरा कोई आदमी होता तो फौरन नाम ईसीएल में डाल दिया जाता है, वो फिर ईसीएल की पिटीशन फाइल करता है, फिर साथ साथ बेलें लेता है, फिर बेलें उसकी डिसमिस होती हैं तो फट से अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये यहाँ तो सब कुछ नहीं हुआ, ये तो सारा का सारा बहुत ज्यादा नैब ने फैसिलिटेट किया, और इतना फैसिलिटेट किया कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी के सारे बाहर चले जाएं, और सारे के सारे जब बाहर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और होना क्या है? होना तो फिर सिर्फ यही है कि ये एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाएंगे, और एब्सकॉन्डर डिक्लेयर होने के बाद
ये तमाम जो डैप की फाइलें हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है उसको डॉर्मेंट फाइल बना देता है और कहता है कि जब ये अक्यूज पर्सन वापस आएगा तब हम केस चलाएंगे और फिर पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा। तो मुझे तो एक बात तो ये कि बिल्कुल जो चेयरमैन नैब है वो ऐसा रेफरेंस बनाएंगे या बनाया होगा जो कि बहुत सी चीजें शायद जो की चीजें होंगी नहीं डाली होंगी। सिर्फ उसमें एक बात समझ में आती है कि जो ये लर्नेड मॉनिटरिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो नहीं होते तो ये नैब का रेफरेंस भी फाइल नहीं होता। तो वो तो बात अब सेकेंडरी इसलिए हो जाती है कि ये सब चीजें तो जब टेस्ट की जाएंगी, जब मुकदमा चलेगा, लेकिन वो चलेगा ही नहीं अगर एक्यूज बाहर होगा। अच्छा, एक चीज जरा समझा दीजिएगा, यहाँ पे एक डेडलाइन भी दी हुई है और डेडलाइन भी आप जरा मद्देनजर रखिएगा। दूसरा, आपने मॉनिटरिंग जज का जो रोल है वो जरा बता देंगे कि मॉनिटरिंग जज का रोल क्या इतना ही है कि जनाब वो सिर्फ मॉनिटर कर सके कि टाइम पे आता है रेफरेंस कि नहीं आता, या जिस तरह रजिस्ट्रार साहब ने इतराजात लगा के वापस भेजा 2-3 मरतबा, वो उसी तरह वापस आता जाता रहेगा, या हु विल गेज कि ये सही रेफरेंस तैयार हुआ है या नहीं तैयार हुआ, उसको कैसे गेज किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे अगर वीक रेफरेंसेस आ भी जाते हैं और जिस तरह आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उनको बाहर भी जाने दिया जाता है मियाँ साहब को, उनको जनाब हर किस्म का उन्हें लीवरेज मौजूद है और नैब के चेयरमैन उन्हें हेल्प आउट भी कर रहे हैं, तो इस सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आ रही है, सुप्रीम कोर्ट देख नहीं रही है ये सारी चीज़ें? जी नहीं, सब देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है, मीडिया भी देख रही है, अवाम भी देख रहे हैं, बुकला भी देख रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई कुछ कर नहीं सकता और मैं आपको इसके रीजन दूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का, अदालतों का, नैब की अदालतों का, जिनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट क्या है कहा जाता है, उनका तो काम यही है कि उनके सामने जो रेफरेंस बनेगा, जो सामने आएगा, तो उस पर वो डिसीजन देंगे कि ये इस रेफरेंस के हिसाब से, शवाहिद के हिसाब से गिल्टी है या नहीं गिल्टी है मियां साहिबान। लेकिन अगर वो सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट एविडेंसेस है वो हजफ कर दी जाएंगी, वो छुपा दी जाएंगी, प्रोसिक्यूटर्स में, इन्वेस्टिगेटर्स में विल नहीं होगा, नैब का चेयरमैन उनको काम करने नहीं देगा, तो कहाँ से प्रोसिक्यूशन होगा? ये अदालतें जो हैं वो तभी इफेक्टिव होती हैं जब उनकी मुआवरत सही हो, जब उनको असिस्ट सही किया जाए। आपको खुद देखें कि कितने पिछले दिनों में साला साल ये जो टेररिज्म के केस होते थे तो सही केस बनाया नहीं जाता था, और सही केस जब बनाया नहीं जाता था तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस था, फॉल आउट था, वो यही था कि जो अक्यूज थे, जो टेररिस्ट थे, उनको रिहा कर दिया जाता था। और आजकल भी हुआ है, बहुत से केसेस हैं, मैं उनकी एग्जाम्पल्स क्या दूं, आप सबको पता है। तो अदालत का काम तो इन्वेस्टिगेशन का है नहीं। अब मॉनिटरिंग जज एक हद तक मॉनिटर कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड वो मॉनिटरिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सारा डेटा तो उस तरह नहीं है, वो तो प्रोसिक्यूटर्स के पास है, इन्वेस्टिगेटर्स के पास है। तो ये सारी की सारी जो अनफॉर्चुनेट बात है वो यहीं आके समझे स्टंप हो जाती है, हर चीज बोल्ड हो जाती है कि जब सही मुआवरत अदालतों की नहीं होगी, और कम से कम जब तक ये पीएमएलएन की हुकूमत है तब तक तो नहीं होती नजर आती, बिल्कुल होती। अच्छा, नजर एक आखिरी चीज मुझे समझाइएगा, मैं जरा समझना चाहता हूँ इस चीज को, मेरे लोग भी समझना चाहेंगे इस चीज को, कि अगर ये सारी चीजें वीक हो रही हैं, रेफरेंसेस वीक फाइल हो रहे हैं, एज दिया जा रहा है मियां बरादरान को, और ये सारी चीज़ें सब लोग देख रहे हैं, मतलब सबके सामने ओपन है, जैसे आपने भी बताया कि सारी दुनिया देख रही है इसको, लेकिन नथिंग इज़ हैपनिंग, नोबडी कैन डू नथिंग अबाउट इट, तो क्या एट द वेरी फर्स्ट प्लेस सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था और सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन के अंदर ही है कि सारी चीज़ों का फैसला कर सकती थी, या सुप्रीम कोर्ट को नैब के पास भेजने के लिए, नैब को रेफरेंसेस तैयार करने के लिए कहना जरूरी था, या सुप्रीम कोर्ट खुद ही ये फैसले पहले दे देती तो ये नौबत ना आती? कि और क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता था कि एक नायब जिसको वो खुद भी क्रिटिसाइज कर चुके हैं
और उसको उस इदारे को सुप्रीम कोर्ट वाले खुद क्रिटिसाइज करते रहे हैं, तो क्या नैब को ये मालूम नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम नहीं था कि नैब के पास रेफरेंसेस के लिए भेजा जाएगा तो वो वहाँ से वीक केसेस भी बना के ले आएंगे और उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेशंस बड़ी मतलब कि सम लिमिटेशंस हैं, उनको कोई उस लिमिटेशन से बाहर नहीं जा सकते, वो तो पहले ही फैसला दे दिया जाता कोई ऐसा, तो वो हो सकता था, मुमकिन था या नहीं? वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि नैब जो है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो है, वो एक ट्रायल कोर्ट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ट्रायल कोर्ट नहीं है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और उसने फैसला क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का किया। सुप्रीम कोर्ट एक अपेलेट कोर्ट भी है जो अपीलें आती हैं उसका फैसला करती है, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है या अपेलेट कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ट्रायल कोर्ट नहीं है, और अगर ट्रायल कोर्ट नहीं है तो वो ये नहीं कर सकती थी जो आप राणा साहब कह रहे हैं, वो ये रोल नहीं अस्यूम कर सकती थी कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का रोल वो अस्यूम करके और सजा जजा सुना दे। तो उसको प्रोसीजर तो पूरा करना ही था, और प्रोसीजर में खामियां ये है कि क्योंकि पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, लिहाजा कुछ हो नहीं सकता इसके बियॉन्ड। फरूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और फरूक नसीम साहब कह रहे हैं कि जनाब उनको कोई यहाँ पे जो नैब कार्रवाई कर रहा है, उनको यहाँ पे कार्रवाई जो नैब की तरफ से हो रही है, रेफरेंसेस जो तैयार किए गए हैं नैब की तरफ से, और जिस तरीके से ये एज दिया जा रहा है शरीफ बरादरान को, और क्योंकि उनको बेल बिफोर अरेस्ट कराने की ज़रूरत थी, बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई गई, उनको जनाब बाहर भी जाने दिया गया और उनको एक फ्री हैंड दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लगता फरोग नसीम साहब को ये है कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं होगा, और ये कोई मियां बरादरान के खिलाफ जो रेफरेंसेस तैयार हो रहे हैं, कल उनको मियां बरादरान को कोई टफ टाइम नहीं मिल सकेगा, बल्कि इसमें बहुत से फ्लॉज होंगे जहां पे कानून शायद एक मरतबा फिर मजबूर हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक।